my channel. Please click the subscribe button. Press the bell icon for no- मुझे तो मच्छी नहीं लगती, ऐसे हो सकता है? ओके आई वांट ऑल ऑफ यू टू पुट योर राइट हैंड अप. ओके वी विल ऑल से गुड मॉर्निंग. 1 2 3 गुड मॉर्निंग. फैबुलस, वेल डन. नाउ ऑल ऑफ यू गिव प्यार का, प्यार का, प्यार का, प्यार का. Well done. Of course, she'll come and say hello to most of you. आप अपनी तरफ से, of course, वहाँ पर. You don't have to get up right now. We're actually coming to you. Thank you. ये कार्पेट आपको दिख रहा है, रेड कार्पेट, उसके एज पे जाके बैठना है, ठीक है? एवरीबॉडी उसके एज पे जाके बैठना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो नमस्ते क्योंकि हो सकता है पहले से हो रहा हो, मुझे, मैं वाकिफ ना हूँ. नहीं, असल में हुआ ये कि 14 जनवरी 2019 को कैफी साहब की 100th बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो जाहिर है हमने ये तय किया था कि सारा साल जश्न मनाएंगे. और जश्न जो है सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है, और यूके में भी है, और यूएसए में भी हो रहा है. तो उसमें अलग अलग चीज़ें हो रही. फिर बैठे बैठे हमको ये ख्याल आया कि कैफी साहब बच्चों को बहुत चाहते थे. उनके साथ आपने ये जब तस्वीर देखी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे उनको लिखते रहे हैं. तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, तो इस तरह से ये आइडिया आया कि अगर कोई पेंटिंग और ड्राइंग का कंपटीशन करें जिसमें बच्चे कैफी की किसी नज़्म के टाइटल पर वो लिखें. तो फिर लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए. तो किसी ने कहा कि प्यार का जश्न उनकी एक और फेमस नज़्म है, उसको बना के इस तरह से आइडिया. सॉरी, चश्मा, हम लोग आ रहे हैं चश्मे में देख रहे हैं. तनवी जी, क्या कहना चाहेंगी आप? और प्यार का जश्न, जैसे शबाना जी ने कहा, वो नज़्म उसकी तर्ज लेके, वो थीम लेके आपने कहा, और अलग जश्न, जब प्यार की हम बात करते हैं, आप एक बहन भाई का हो सकता है, एक माँ बेटे का हो सकता है. जी, मुझे इसी बात की खुशी है कि हम जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं वो एक सेलिब्रेशन ऑफ लव है. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चों के क्या इंटरप्रिटेशन है. हम एज एडल्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही देते हैं. अब बच्चे जब कुछ बनाएंगे तो हमको उससे कुछ शायद इंस्पिरेशन मिले टू हैव मोर एंड मोर सच प्रोग्राम्स, एंड वी माइट पिक अप समथिंग फ्रॉम विच हमको ऐसे लगे कि इस बेसिस पे हमको कुछ और करना चाहिए. सो हमको लगता है दिस विल प्रॉबली बी एन ओपनिंग फॉर अस टू, क्योंकि साल भर के ये सेलिब्रेशन होने वाले हैं, तो शायद बच्चे हमें कुछ आइडिया दे दें. और बच्चों के साथ तो एनर्जी अलग ही होती है.
छवारा जी स्पेशल किड्स भी हैं, वो भी आमंत्रित हैं, हमें देख रहा था, वो भी पेंटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब ये किसका आइडिया था कि वो भी हिस्सा हैं और एक अलग पैगाम, एक अलग मैसेज जाता है? नहीं, लेकिन देखिए हमारे नज़र में जो है कोई भी बच्चा, वो कहाँ से भी हो, किसी भी तबके का वो बच्चा बच्चा होता है। और इसके बारे में जिक्र करना भी मैं समझती हूँ कि सही नहीं है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है। तो जो जिस बात का ख्याल रखा गया है वो ये है कि हर तबके के लोग और हर तरह के बच्चे इसमें हैं। बच्चे बस बच्चे होते हैं नहीं, और ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो बहुत चाहते हैं कि वो इंक्लूड हो जाए, एंड दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस। असल में होता क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस है, एडल्ट्स को नहीं पता रहता है कि उनके साथ किस तरह से वो मिक्स करें। और तो एडल्ट्स के लिए भी नॉर्मलाइज करना सिचुएशन को, ताकि आपको डर नहीं लगे कि कोई मैं गलती तो नहीं कर लूँ, कुछ हो जाएगा। जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट इंटीग्रेट। शिवानी, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मुझे बड़ा बड़ा एहसास सा होता है कि आपकी बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग रही होगी कैफी साहब से। अनगिनत इवेंट्स आपकी तरफ से आते हैं और मतलब आई गेट गूज बम्स व्हेन आई सी यू एज अ डॉटर, योर रिलेशनशिप विथ योर फादर। कुछ यादें ताज़ा होती हैं जब भी, और अनगिनत बार आप जिक्र करती हैं, इमोशनल होना तो लेकिन इमोशनल हर बार होती होंगी, लेकिन कुछ यादें जो बहुत इमोशनल कर देती हैं आपको कैफी साहब को सोच के? कैफी साहब, मुझे लगता है मैंने इतना ज़्यादा कैफी साहब के बारे में बोला है कि आप तन्वी जो उनकी बहू हैं उनसे पूछे, क्योंकि ससुर और बहू का कैसा रिश्ता था। देखिए, जब कैफी साहब ने औरत नज़म लिखी थी आज से 70 साल पहले, तो सिर्फ वो एक नज़म लिखी नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में उसने उनको उतारा था। तो चाहे वो उनकी बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, जो उन्होंने कहा ठीक वैसा ही उनका व्यवहार रहा है। तो पहले तन्वी बताएं कि कैफी साहब के साथ क्या रिश्ता था। कैफी साहब के साथ तो ससुर और बहू का था ही नहीं, बाप बेटी का ही था। और अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि शबाना जी ज़रा जलती भी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा प्यार मिलता था कैफी साहब से। तो किस्सा सुना तो उतना ही मैं ही बताती हूँ किस्सा। असल में क्या है कि कैफी साहब मुझे जो है मेरे गुलाब का फूल कहते थे हमेशा। हाँ, अब तन्वी भी आ गई। तो एक दिन मैंने सुना, शबाना थी नहीं कमरे में, तो उस वक्त अब्बा जो है ज़रा प्यार से मुझे लाड़ कर रहे थे और कह रहे थे मेरे गुलाब का फूल, मेरे गुलाब का फूल। तो जब ये निकली तो मैंने जाके कहा आप सारी मुझे गुलाब का फूल कहते हैं और अब आप अपनी बहू को कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो कहते नहीं नहीं तुमने गलत सुना, मैं तो उसको गोभी का फूल कह रहा। तो ऐसा पटाते थे बहुत सब लोग। इसके बाद और क्या करने की तैयारी है जश्न के माध्यम से या मेज़बान के माध्यम से, और किस बिना पे, जैसे उम्र का भी दखल किया है कि 10 से 15 साल बच्चे, कैसे आपने पूरा जीरो डाउन किया, आपको कैसे प्लान किया कि ये स्कूल्स या ये बच्चे या जो जो बच्चे तो हिस्सा बनना चाहे बन सकते हैं, लेकिन उम्र का? और देखिए, ये सोचा गया था कि क्योंकि ये नज़्म के उन्वान पर है, तो ऐसे बच्चों को ले जिनके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो। अगर बहुत छोटे बच्चों को ले लेंगे तो शायद उनके लिए इसको हजम करना मुश्किल होगा। तो इस बात का ख्याल रखा गया। फिर जो जूनियर सिटीजन वेलफेयर ग्रुप है वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कैफी आदमी पार्क बनाया ही गया था इस ख्याल से कि यहाँ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हों, क्योंकि कैफी साहब खुद इतने एक्टिव इंसान थे। तो फिर उन्होंने हमको सपोर्ट किया, और सही मानों में नैना दास गुप्ता जो है उन्होंने ये पूरा कंसीव किया है इनके साथ, जमीन के साथ। वी आर वेरी हैप्पी। ओके, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, क्या आपको लगता है जब एक्टिंग की हम बात करते हैं, बहुत से एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं, विस्टिंग गुड है और रोशन तनेजा साहब का इंस्टीट्यूट है, लेकिन प्रोडक्शन को सिखाने के लिए कुछ नहीं है? आप इतना सही बात कह रहे हैं, इस बात को मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मुल्क के बाहर ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें प्रोडक्शन सिखाया जाता है। यहाँ तो प्रोडक्शन के लिए आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए और किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं। मुझे लगता है कि ये बात जो है खासतौर से जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको ये समझाना ज़रूरी है कि दैट ऑल्सो नीड ट्रेनिंग, आई कम्प्लीटली अग्री। और जो हैं भी वो बहुत कॉस्टली हैं, ना इफ समवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू कांट अफोर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मोड ऑफ, अगर कोई ना उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो। नो, इट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सिलेबस ओनली, इट कांट बी समथिंग, मतलब अभी जैसे बाकी डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी एंड एक्टिंग स्कूल्स होते हैं उसी के अंदर प्रोडक्शन हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ। हाँ, मगर जो है इंस्टीट्यूशंस लाइक FTII, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, जो सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट जिनको सब्सिडाइज करती है, उसमें तो यकीनन इसको इंक्लूड करना चाहिए।
ओके आखिरी सवाल, और मैं उम्मीद करूंगा शबाना जी नाराज ना हो, सवाल कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो इंडियन कंटेंट को बैन कर दिया है, और उस बारे में आपको जरूर कहना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ता है, जो लोगों को अलग नहीं करता। तो हमको ये भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लोग नहीं चाह रहे, ये पाकिस्तान के सियासतदान चाह रहे, हमारे भी सियासतदान ऐसे चाह रहे। और मैं ये समझती हूँ कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये आप हमारे हाथ बांध देते हैं, जब आप कहते हैं कि आप इंडियन कंटेंट को नहीं अलाउ करेंगे, तो आपने हमारे हाथ बांध दिए कि हम भी रिटेलिएट होकर कहें कि हम आपका कंटेंट। तो जो एक इतना बड़ा, हमारे पास इतनी बड़ी सहूलत कि हम एक ही सब कॉन्टिनेंट में रहें, हमारे टैलेंट्स इकट्ठा करके हम इसको कितना बड़ा रीजन बना सकते हैं। लेकिन इस तरह की अगर आप सब व्यवहार करेंगे हमारे साथ, तो हमारे पास कोई कोई चारा नहीं रहता, जो कि बहुत तकलीफ की बात है। क्योंकि जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ की जो बेटियां हैं, वो फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल करती है, कितनी कोशिश करती है कि हम सियासतदान अपना काम करते रहे, हम जो है वो प्यार का रिश्ता एक दूसरे के साथ नहीं तोड़े, क्योंकि अभी भी इतने सारे परिवार, इतने सारे शांति हैं जो कि आधे वहाँ हैं आधे यहाँ हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको इतनी इज्जत मिलती है, जब वो हमारे पास आते हैं तो हैरत ज़्यादा हो जाती है, और वो कहते हैं कि बाप रे आप तो बिल्कुल हमारी ही तरह हैं। तो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, जिसमें जो आप सुनते हैं करते हैं, और जब आप रियल लाइफ में मिलते हैं तो जो फ़र्क आपको मिलता है वो बहुत है, और खासतौर से कला के लिए मैं समझती हूँ बहुत ही ज़रूरी। थैंक यू सो मच। नहीं मिला है अब तक, प्लीज़ अपना हाथ ऊपर कीजिएगा, हम में से कोई आपको आकर पेपर देंगे, ठीक है? अपना चेहरा दिखाओ।